अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बेक विद AW। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है गार्लिक ब्रेड की। और उसके लिए हमको चाहिए 100 ग्राम हमें बटर चाहिए, कुछ गार्लिक क्लोव चाहिए हमें, कुछ हमें चिली फ्लेक्स चाहिए, थोड़े से बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया चाहिए, थोड़े से हमें स्प्रिंग अनियंस चाहिए, साथ ही हमें जो है चाहिए ये मोज़रेला चीज़ जो मैंने कद्दूकश की हुई है, थोड़ा सा ऑर्गेनो चाहिए हमें और ब्लैक पेपर चाहिए। और इस तरीके से हमें जो है ब्रेड चाहिए जो कि आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाती है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले लिया है बटर 100 ग्राम और मैंने इसको बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर पे था, मैंने इसको स्पून की हेल्प से बिल्कुल जो है मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने ये गार्लिक क्लोव्स लिए हैं यानी लहसुन के चवे, और मैंने इसको बिल्कुल इसको क्रश कर लेना है, बिल्कुल बारीक जो है हमें इसको क्रश करना है। मैंने देखिए बिल्कुल इसको बारीक पीस लिया है। उसके बाद मैंने ये जो है गार्लिक मैंने इसमें बटर में ऐड कर दिया, ये सारा गार्लिक मैंने इस बटर में ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने जो बिल्कुल बारीक कटा हुआ मेरे पास हरा धनिया था, बिल्कुल बारीक कटा हुआ होना चाहिए, वो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। और साथ ही मैंने ये ऑरेगानो जो मेरे पास था ये मैंने इसके साथ इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से। और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, हमारे पास एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा जो कि जो ब्रेड पे हम अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको अब मैं साइड पे रखूँगी। देखिए बिल्कुल मैंने अच्छे से इसको जो है वो मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने ये ब्रेड लिए हैं जो कि आपको बाज़ार से आराम से मिल सकते हैं, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये फिलहाल मैंने बाज़ार से लिए हैं और इस तरीके से मैंने छोटे पीस काट लिए हैं क्योंकि मेरे पर ब्रेड छोटी थी। इस तरह मैंने ये जो मैंने बैटर बनाया था मैंने इसके ऊपर ऐसे अप्लाई किया कुछ इस तरीके से। सारा मैंने इस पर थोड़ा थोड़ा हर साइड पे मैंने इसको लगा दिया इस तरीके से। देखिए सारा मैंने एक हर तरफ से इसको कवर कर दिया। उसके बाद मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ है जो मैंने कद्दूकश करके रखी हुई थी, वो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर लगाई, जितनी आप चाहें वैसे थोड़ी सी इस पे ही बहुत हो जाएगी। ये मैंने इस तरह इसमें थोड़ा थोड़ा जो है सारी तरफ इसको मैंने लगा दिया। और साथ ही मैंने इसके साथ थोड़ा सा मैंने स्प्रिंग अनियंस जो लिए थे मैंने इसको इस तरीके से थोड़े थोड़े जो है लगा दिए। इसी तरह मैं सारे लगा दूँगी देखिए इस तरीके से। और उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी चिली फ्लेक्स जो है मैंने रखी, और साथ ही मैंने थोड़ा सा ये काली मिर्चें जो ब्लैक पेपर है वो मैंने इसको इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो डाल दिया। और इस तरह मैंने सबको रेडी कर लिया। और मैं अब इसको 180 पे 10 टू 12 मिनट जो है वो मैं बेक करूँगी। ये मैंने इस तरीके से ट्रे में बटर पेपर लगा लिया था और फिर मैंने इसको इस तरीके से सेट करके 180 पे मैं इसको बेक करूँगी 10 टू 12 मिनट। आप इसको बेक कर लीजिए और जो है प्री हीट आपको सिर्फ 10 मिनट करना है। उसके बाद आप देखिएगा ये कितने मज़ेदार और कितने यमी बन के जो है वो बेक होंगे। चलिए इसको हम रखते हैं 180 पे 10 टू 12 मिनट। मैंने ये रख दी है, देखिए बिल्कुल रेडी हैं ये बेक हो के, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।